आगे पीछे हो गए यार, जा जा तो रिक्शा उठा। अरे तो पीछे ले, पीछे ले। जोन 10 की इस सफारी में हमारे गाइड थे रामबीर और साथ में बैठे गेस्ट थे फ्रेंच। कोविड के बाद से आरटीआर में फॉरेन टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ा है। चलो रणथंभौर में हर ट्यूसडे जोन 6 से 10 बंद रहते हैं और हर वेडनेसडे जोन 1 से 5। तो हमने अपनी ट्रिप को ऐसे प्लान किया कि मोस्टली सफारी प्रीमियम जोन्स में कराई और वेडनेसडे की सफारी जोन 10 में कराई, जहां जय और ऐश्वर्या रेगुलरली दिखते रहते हैं। किधर बैठा? Oh wow! Oh my God! हमसे 5 मीटर की दूरी पे बैठा मिला जोन नंबर 10 का सबसे बड़ा मेल टाइगर जय, यानी कि T108। रणथंभौर की ये एक अच्छी बात भी है कि यहाँ साइटिंग बहुत पास से होती है, लेकिन एक और बुरी बात भी है कि यहाँ गाड़ियाँ टाइगर के ठीक मुंह पे लगा दी जाती हैं। ये आप कॉर्बेट, बांधवगढ़ वगैरह में कम देखेंगे। अब इससे फायदा ये है कि हर मोबाइल वाले टूरिस्ट को भी अच्छा शॉट मिल जाता है, लेकिन नुकसान ये है कि वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होती है। एंटर करते ही हमें जय तो दिख गया, पर हमने सोचा एक बार ऐश्वर्या को चेक कर लेते हैं, जब तक कि जय धूप में सो रहा था। अच्छा बट अभी हम आगे निकले हैं ऐश्वर्या को चेक करने के लिए, फिर उनकी वापस जय के पास ही जाएंगे। इधर से आएगा ना? हाँ, वो हमारी तरफ ही है उसकी मुंह की। ये देखो, ये उसको और हटा के रहेंगे, चैन नहीं आ रहा। अच्छा खासा यहाँ से, वाओ, लुक एट द ब्यूटी, लुक एट द साइज, इज मैसिव। दुकान गया हमने, कहीं बैठे हो चाहते हैं अपन, पास में 5:10 सुबह है, कॉल भी चल रही है। सामने सो रहा है और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो धूप बहुत ज़्यादा है, तो अभी स्लीपिंग, थोड़ी देर में उठेगा तो विल गेट सम गुड पिक्चर्स। अभी हम नहीं, कहीं बैठे हो, अभी सामने सो रहा है। धन्यवाद फैम और पानी की दीवार, बहुत बड़ा फेस है इसका एंड इज ब्यूटीफुल। मटी अंदर पड़ी हुई वहाँ सारे मैं क्या करें, वो पानी पे आओगे आप इतने महसूस कर रहे हो? अच्छा, 3-4 दिन से लगातार दिख रहा है, तो बस अभी चलने वाला है। मारा था ना सांबर को? हाँ, अब चलने वाला है। हाँ, तो जाए आ या कल निकल जाए। मार्किंग भी तो करनी है, यहाँ से निकलने के बाद 2-3 दिन नहीं दिखता भी। हाँ, क्योंकि ये इसका एरिया बहुत बड़ा है ना, उधर नॉन टूरिज्म। हाँ हाँ, इसीलिए नॉन टूरिज्म एरिया के लिए आते हैं। ये तो गांव के साइड भी ज़्यादा जाता है ना, गायें वायें ज़्यादा मरता है। हाँ, उधर रहता था पहले, ये 2 साल तक उधर रहा। इसने सर्वाइव भी वैसे किया है, और इधर 58 रहता था। वो अभी आने लग गया ना, क्योंकि उधर ही रहता था, लेकिन उधर वो 114 नंबर फीमेल थी ना, तो उधर कोई फीमेल दिख रही नहीं, यही इधर आ गया। फिर वो 58 ओल्डेस्ट हो गया थोड़ा, तो इसने उसको दबा दिया। फाइट हुई थी क्या इसके और 58 की? फाइट तो था नहीं, हुई होगी तो, लेकिन दिखी नहीं। ओके, फाइट होते देखा नहीं, इतना सा देख ले, जैसे मंदिर के वहाँ 58 बैठा रहता है, यहाँ बैठा रहता है, इतना गैप था, लेकिन फाइट देखा नहीं। सो हाउ मेनी टाइगर्स इज देयर इन द पार्क? 85 ओल पार्क, इट्स 80, बट ओल पार्क एरिया वेरी बिग एरिया,
दिस होल पार्क एरिया 1700 स्क्वायर किलोमीटर ओके बट टूरिस्ट ओपन ओनली 20% एरिया ओपन ओके दिस 20% एरिया दिस 10 गेट डिवाइड डिफरेंट गेट 20% एरिया लुकिंग द टाइगर्स 30-35 टाइगर्स ओके डिफरेंट गेट डिफरेंट टाइगर्स And there's only three tigers. And do they live in family? Like No, tigers are solitary animals. Solitary? Yeah, territorial solitary, no groups. Even when they are baby, like? Only the mother tigress, like, remains with the children. Okay. And then they also leave after a certain age. Okay. But mostly tigers are solitary. They are not like lions. Oh, okay. They don't live in a pride. Okay. They are highly territorial. Okay. Male tiger is big area. Yeah. This one male tiger is 40-45 square kilometer area. And at what age do they die? Do they live long? No. कितने कब मरते हैं पूछ रहे हैं मतलब age कितनी होती है? 16-17 years old. Oh, okay. So this one is a baby. Yeah, young. A big baby. Yeah, big baby. Yeah, he's in its prime. La 70. Non, ah putain, j'ai compris 70. Ah oui, non, là, putain, non. Non, c'est 17 ans. Ah oui, c'est pas du tout un bébé. Non, c'est un adulte, j'en ai la moitié de ses. Abhi, il est khada hoga. Tu sais, pas de bébé, tu bébé ni lagega. Non, c'est pas juste comme une maths, c'est juste. Only 3 years full size, full grown. Okay. What do they eat? What kind of animals do they eat? Yeah, samba deer is potato deer. Samba deer is favorite food. Samba deer is big deer, 4-5 digits. इसको जबरदस्ती डिस्टर्ब किया अच्छा बैठा था मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को आप नहीं समझा सकते ना कितना ही समझाओगे सुनते ही नहीं कल भी इसी जगह बैठा था लेकिन कल बिल्कुल नहीं कह रही था फिर उसके हिसाब से उठा आराम से रोड मजा आता है अगर रोड चल जाए ना हेड ऑन वॉक मिल जाए मजा आ जाए लेकिन क्या है अभी इतनी गाड़ियाँ चलाने देंगे ही नहीं सब आगे बढ़ेंगे ना तीन गाड़ी थी अच्छा कम गाड़ियों में बेनिफिट रहता है बताओ आपके हिसाब से टाइगर की लाइफ इजी है या डिफिकल्ट है जैसे सब इसको विलन मानते हैं कि मतलब मारता है जानवर तो आपके हिसाब से इसकी लाइफ आसान है या मुश्किल है मुश्किल है क्यों मुश्किल है आपको क्या लगता है क्या रीज़न है इतना इजी नहीं है ना मारना बहुत मुश्किल से ओवरऑल सिर्फ हंटिंग नहीं ओवरऑल ऊपर देख रहा है वो बर्ड्स बोल रही है ना बैबलर बोल रही है ओवरऑल ही लाइफ मुश्किल है और इसकी तो कहानी भी ऐसी रही है कहाँ जय वीरू और वैसे रहते थे फिर जब वीरू मरा दोनों आए जब साथ में आए साथ में रहते थे फिर फतेह और इसने मैंने ऐसा सुना है मोस्टली कहते हैं कि इसने ही फतेह से बदला लेकर उसको गांव वाले कहते मिला ही नहीं तो इसमें जैसे अज्यूम कर लेकिन सब दोनों फाइट दिखा तो नहीं हाँ फतेह की बॉडी भी नहीं मिली थी मिली नहीं ना ये जल्दी नष्ट हो जाते हैं ना कीड़े लग जाते हैं बहुत जल्दी दो दिन में तो कीड़े लग जाते हैं तो उसको जो वीरू को भी चोट लगी थी उसके हाथ पे कीड़े ही तो लगे थे हाँ कीड़े लगे थे ना लेकिन इलाज भी खूब किया लेकिन नहीं बच बहुत देर हो गई एक दिन बाद ही पता लगा जब तक कि एक दिन में कीड़े लग गए थे उसको तो ये जो आप बता रहे हो इसने सांप पर मार रखा है तो वो क्या मारते दिखा है चार पाँच दिन पहले मारा था मारते दिखा है या खाते दिखा है या क्या हुआ है नाइट में मारा था उसको आए थे ना तो दिखा था सांबर के बना मरा हुआ था ना तीन चार दिन पहले कुछ है फोटो वीडियो है नहीं अंदर था उसका अच्छा अच्छा किल अंदर था ओके पहले मारा उसका मिलन कि वो आईडिया से गया ना पहले मारा पानी पे गया अच्छा मारा भी पहले मारा था नहीं हाँ वो तो लाइफ मारा था ना उसका तो होगा तो या तो T99 आ रही है या कुछ और है स्पॉटेड डियर को जय सोता रहा और हम गाइड ड्राइवर से बातें करते रहे काफी देर यही चला फिर एकदम से हलचल होने लगी तो ऐसा लगा कि जैसे फीमेल टाइग्रेस वहां पे आ गई स्पॉटेड डियर
कॉल लगा रहा है नॉन स्टॉप. चेस बॉटेड बाय दैट कॉल. थोड़ा सा हाइड अप किया उसने. क्या हुआ? एक और टाइगर आ गया क्या? टाइग्रेस आ गई. भालू है स्लॉथ बेयर. ओ स्लॉथ बेयर आया. स्लॉथ बेयर आया और वो सकती है ना मम्मी कौन से. स्लॉथ बेयर आ गया सामने से और टाइगर ये बैठा है. ओ गॉड. ये तो चला जाएगा ऐसे इतना वो करेंगे. तो जीप्स के पीछे की तरफ से आ रहा था स्लॉथ बेयर और इस तरफ सो रहा था जय. रणथंभौर में भालू और टाइगर का आमना सामना कई बार हुआ है और ये एनकाउंटर देखने में बहुत यूनिक है. भालू पानी पे आ रहा है और जय बैठा है यहीं पे. ओह गॉड ये वही वाला भालू है जिसको वो लगी थी सामने. हाँ मंदिर को. हाँ मंदिर पे. देखो ना अच्छी जगह ना. हाँ सो भालू ये मेल भालू है और सामने जय भी है. तो अभी शायद टाइगर ने भालू को देखा नहीं है. देखेगा तो गुड एंगल. जूम करना जो राइट हैंड साइड पे. अभी अभी जय को नहीं पता. पता लगेगा तो लड़ेगा. उसको भी नहीं पता ना. भालू को भी नहीं पता. पर उसको भालू दिख रहा है. इस भालू का मूड तो था कि आराम से जून की गर्मी में पानी में बैठे, पर जैसे ही इसने जय को देखा बेचारे ने अपना मूड बदल दिया और अपने गीले गीले फर लेके आगे को निकल गया. भालू तो डर के दूसरी ओर निकल गया और हम बैठ गए जय के सामने. ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा था तो कुछ खास शूट करने को था नहीं. फिर थोड़ी ही देर बाद एकदम से जय उठा और दोनों साथ में चलने लगे, एक रोड के इस तरफ और दूसरा उस तरफ. जय तो बैठ गया पर हम भालू के सामने आ गए. इसके माथे पे गौर करें तो आपको लाल रंग का टीका दिखेगा. ये दरअसल जोन 10 में बने हनुमान मंदिर से हुआ जहां जाके इसने वहां लगे तिलक पे अपना पूरा सर रगड़ दिया. पानी पे जाने दो इसको. पानी पे गेट दे दे.
right? Yes. So we should give him some space. Yes. He's very thirsty. Yes. So that's why they're asking him to move back, so that he can come. He's coming. यहाँ भालू को देख ही रहे थे कि दूसरी तरफ हलचल शुरू हो गई कि जय उठ गया और वापस गाड़ी घुमाई तो सामने से जय आता दिखा। और इस साइटिंग के बाद हुआ असली गेम शुरू। जय बड़े वाले वाटर होल की तरफ बढ़ने लगा जहां भालू बैठा था और भालू ने भी जय को देख लिया और बस आज पक्की उम्मीद थी कि दोनों का फेस ऑफ होगा ही होगा। भालू बैठा पानी में और टायर भी वहीं जा रहा है। भालू के पास आ रहा है ना, ये भी भालू के पास पे आए। पीछे से टाइगर आ रहा है और यहाँ भालू बैठा है। पीछे में बना ना जावे। उसी की तरफ जा रहा है। गेट में आ रहा है ना, तो सुला देते हैं। खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। वार्निंग दे दी इसकी तो। होने को तो दोनों में लड़ाई हो सकती थी, पर जय एक समझदार टाइगर है और ये भालू भी अकेला था। बच्चे के साथ होता तो ज्यादा डिफेंसिव होता, इसलिए वो अपने रास्ते निकल गया। जय ने कुछ देर पीछा किया लेकिन फिर वहीं रुक गया। और ये सब होते होते शाम हो गई और हम भी जंगल के बाहर आ गए। उम्मीद है आपको ये साइटिंग अच्छी लगी हो। हमारे लेटेस्ट वीडियो T121 की जोन 4 की साइटिंग को सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। रणथंभौर की कहानी तो जारी रहेगी, जल्दी वापस आएंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।